आप लोग जुड़ चुके हैं जेके मीडिया के साथ। कोशिश करते हैं हम लोग जो भी पर्सनैलिटी हमारे जम्मू में आती हैं, खास करके हमारे जम्मू का जो भी टैलेंट है उसको उभारने के लिए यहाँ पर जितने भी बॉलीवुड से या फिर हिंदुस्तान के कोने से कोई भी यहाँ पर पर्सनैलिटी आते हैं, हम लोग आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डांस प्लस के विनर, जो कि ABC 2 में भी आपको नज़र आए थे, वर्नन मोंटेरो, जो कि काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर हैं, जम्मू में आए हुए हैं। कल कुछ ऑडिशंस भी लेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं जेके मीडिया पे। वर्नन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। वर्नन, जम्मू जम्मू को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने इमेजिन किया था उससे बहुत ज़्यादा कूल है ये सिटी। एंड यहाँ पे अभी से मुझे इसका वाइब जो है बहुत पसंद आ रहा है अभी से ही। इतनी कूल भी नहीं है, गर्मी काफ़ी पड़ती है यहाँ पे लेकिन मुंबई से कम है एटलीस्ट। हाँ, मुंबई से कम है। अच्छा वर्नन, डांस प्लस के आप विनर रह चुके हैं, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी टैलेंट है, जम्मू के लोग भी, आपने भी सुना होगा कि बॉम्बे में पहुँचे हैं, चाहे वो डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से जाते हैं? क्रिएटिव बच्चे होते हैं, स्किल्स होते हैं उनमें, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं कई बार स्टेज के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जजेज होते हैं, थोड़ा सा उनमें रहता है, क्या आपका उनके लिए मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि जो डांसर्स है यहाँ के, एक्चुअली में यहाँ पे मतलब ये सिटी में इतनी चीज़ें होती नहीं है, इतने अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो शायद उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली जब मुंबई के डांसर्स अगर परफॉर्म करते तो उनका जो टेक्निक है, जो स्किल्स है, वो यहाँ तक अब तक पहुँचा नहीं है, तो शायद ये उनमें लैकिंग है कि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं कि रियलिटी शोज में जाने का वहां पे चाहिए क्या रहता है परफॉर्मेंस में। तो अगर ये चीज अगर क्रैक हो गई जम्मू के डांसर्स में, सो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो डू बेटर ओवर देयर इन ऑल द शोज। मतलब आजकल हम देखते हैं कि डांस सिर्फ डांस नहीं रह गया है, डांस के साथ साथ एक स्टोरी टेलिंग भी होती है, तो जो मतलब जो बच्चे इस चीज में जाना चाहते हैं उनको क्या आप देंगे थोड़े से टिप्स हमारे इस इंटरव्यू के थ्रू? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो कंपटीशन का क्राइटेरिया कैसा है, जो जजेस है वो कैसे, और वो कंपटीशन का डिमांड्स कैसा है। अगर हम लोग कोई रियलिटी शो में परफॉर्म करते तो वहाँ पे जो जजेस है, जो टीवी है, जो ऑडियंस है, वो लोग ज़्यादा करके क्रिएटिविटी एंड वाओ फैक्टर्स डिमांड करते। सो मेक श्योर कि जब आप टीवी पे जा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके मतलब आपके अंदर रहे, ये सब परफॉर्मेंस के अंदर रहे। एंड जब आप कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हो जहाँ पर प्रॉपरली डांस जज हो रहा है, तो मेक श्योर यू फोकसिंग मोर ऑन अ डांस ओवर। तो जो भी डांसर्स है, मतलब मैं उन्हें वही बोलूंगा कि कोई भी कंपटीशन में जाने से पहले उसको ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट से परफॉर्मेंस रेडी मत करो, बट मेक श्योर यू ऑब्जर्विंग द कंपटीशन, समझ रहे हो कि वहां पे करना क्या है, एंड देन वहां पे आप एंट्री ले लो कंपटीशन के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात की, हमारे यहां पर भी ऐसा ही होता है, सीधे ही चले जाते हैं स्टेज के ऊपर, पहले ऑब्जर्व नहीं करते कि रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। अच्छा वर्नन, आपने आपका मैंने एक इंटरव्यू भी पढ़ा था, उसके अंदर आपने लिखा था कि काफी एक तो कॉस्टली रहता है, जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं डांस के लिए लाखों रुपए चाहिए है, और यहाँ पे इंडिया में आज उस तरह की चीज़ नहीं, जो ABCD में भी हमने देखा वो एक ग्रुप होता है और उनके पास पैसे की कमी होती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। आपने एक इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया के अंदर ही कुछ वर्कशॉप्स देंगे, तो वो कहाँ तक पहुँचा है, और क्या जम्मू कश्मीर में भी आप इस तरह का कुछ करने वाले हैं? यस, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि जम्मू कश्मीर मेरे वर्कशॉप्स हो, क्योंकि जब मेरे वर्कशॉप्स होते हैं तो बेसिकली मैं उसमें कुछ अलग चीज़ सिखाता हूँ। मैं एक ऐसा चीज़ सिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअल जो अगर डांसर है, जो बिगिनर है, तो बेसिकली उसको समझे कि एग्जैक्टली उसे कौन से वे पे जाना है, ना कि सिर्फ एक डांस मूवमेंट्स या पर्टिकुलर डांस स्टाइल सीखे, क्योंकि जो हर एक डांसर डिफरेंट है एंड बहुत यूनिक है एक दूसरे से। सो यस टू नो कि उसका सही पाथ क्या है, एंड मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं मैं उसमें डांसर्स को सही तरीके से गाइड करता हूँ कि उन्हें किस तरीके से किस वे में जाना है। एंड रही बात पैसे की, जहाँ पे बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से मैं भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ लेकिन मुंबई के एक छोटे सबर्ब से, नालासोपारा से बिलोंग करता हूँ। एंड जहाँ पे मैंने डांस स्टार्ट किया था मेरे एज में, तो नालासोपारा में अराउंड 10 to 12 आज तक लाइट नहीं रहती थी, तो मैंने भी जो था मैंने किसी अच्छे पेड क्लासेस में सीखा नहीं है, मैंने खुद ने वीडियोज़ देख देख के सीखा है। तो मैं यही बोलूँगा अगर किसी में कीड़ा है करने का, तो ज़रूरी नहीं कि उसे किधर जाके सीखना है, वो यहाँ पर भी रह के बिना कहीं जाके भी सीख सकता है। सो वो सब चीज़ तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, एंड जिसमें है वो डेफिनेटली आगे जाएगा ही जाएगा। वरना एक मेरे अपने दिल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक टाइम वो था जब हम मिथुन को देखते थे, मिथुन दा को देखते थे, गोविंदा को देखते थे, तो फिल्म लोग देखने जाते थे ना, जब मूवी देखने जाते थे सिर्फ उनका डांस देखने जाते थे कि वो क्या नाचते हैं, और आज हम टाइगर श्रॉफ को देखते हैं, आज हम वरुण धवन को देखते हैं, और उनकी टेक्निक्स कुछ हट के है,
पहले के डांस को और आप आज के डांस को किस तरह से पूरा अगर डिफरेंशिएट करना, और आप क्या स्टेटस देते हैं आज के डांस और पिछले डांस को? मैं यही बोलूँगा कि जब जो जनरेशन में, जब जो प्रेजेंट में हर चीज़ मैटर करता है, एंड जैसे जैसे टाइम आगे जाते रहेगा तो, बट ऑब्वियसली आज भी जो हमें अच्छा लग रहा है कल को जाके वो भी हमें पुराना लगेगा. सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जो हम प्रेजेंट में, भले मैं कितना ही बड़ा डांसर बन जाऊँ या कोरियोग्राफर बन जाऊँ, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड जो भी चल रहा है उसके फ्लो में आपको रहना है. अच्छा वर्नन, एक लास्ट सवाल है मेरा कि आने वाले दिनों में हम कुछ देख सकते हैं आपके, कुछ बॉलीवुड में भी कुछ देखने को मिलेगा या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट कुछ ऐसे पाइपलाइन में हैं? डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज़ में आ रहे, बट मेन जो मेरा मेनली मेन प्रोजेक्ट है वो है फिलहाल वर्ल्ड डांस लीग, एंड अभी जो है मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे, एंड डेफिनेटली जब ये ख़त्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें लाइन अप रहेगी. कितनी तैयारी चल रही है उसकी? बहुत सारा तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वर्ल्ड डांस लीग के लिए, इसके लिए मैं 3 इयर्स से मैं इसके पीछे वर्क कर रहा था, एंड अब जाके मतलब मैंने इसको पूरा प्रैक्टिकली स्टार्ट किया है. सो ये बहुत बड़ा चीज़ है, जब इंडिया इस चीज़ को देखेगा तो आई जस्ट होप कि मतलब मैं एक्साइटेड होगा देखने के लिए कि सबका रिएक्शन कैसा रहेगा इसके लिए. कल जम्मू में भी ऑडिशन होने जा रहे हैं और काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, कुछ उनके लिए मैसेज ऑडियंस के लिए? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी करते हो कि मेक श्योर यू आर डूइंग इट 100%. ऐसा नहीं कि डांस करना है या फिर पढ़ा या फिर कुछ भी चीज़, जो भी फील्ड में हो मेक श्योर कि आपका पूरा फोकस है उसके ऊपर, एंड डेफिनेटली गोना अचीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. हमारे साथ बात कर रहे थे वर्नन, जो कि डांस प्लस के विनर हैं, और इन्होंने अपना बताया किस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि डांस के अंदर कुछ अपने आप को देखना, जिस तरह से वर्नन ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आप भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं डांस में, तो जिस तरह से इन्होंने बताया बस उन टिप्स को पकड़ लीजिए. थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व कीजिए जो भी आप स्टेज शो में जाते हैं, उसके बाद ही जो है आप उस स्टेज शो को जो है क्रैक कर सकते हैं. आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए.